हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, किस किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है मेल और फीमेल में और किस नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। जनरल, अंडर रिजर्व, OBC, ST, SC, EWS, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन में किस प्रकार से नंबर आए, बच्चों फिजिकल के लिए बुलाया गया है और कौन कौन से नंबर से बुलाए गए हैं, उन सब की जानकारी इस वीडियो माध्यम से देते हैं। देख लेते हैं जो आपका उत्तर प्रदेश सब SI परिणाम 2022 जो घोषित हुआ है इसका, आपके फिजिकल का, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए आपको बुलाया गया है। इस कैंडिडेट में किस नंबर वाले कैंडिडेट को बुलाया गया है, इससे अपर वाले कैंडिडेट को, जिसके अंडर रिजर्व में बात करते हैं मेल की, तो 121 क्वेश्चन जिसके सही थे उनको बुलाया गया है और इनके नंबर बन रहे हैं। एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर है, एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर मिल रहा है आपको, तो लगभग 302 नंबर आए होंगे उनके। कितने आए? 302। यहाँ पर पॉइंट नंबर हैं, पर पॉइंट बहुत बड़ा चला जाता, पॉइंट में थे, मैं लिख नहीं पाया उसको। अब फीमेल की बात करते हैं, अंडर रिजर्व में 111 क्वेश्चन, ठीक है, जिसके सही थे क्योंकि नॉमिनेशन प्रक्रिया भी हुई इसमें, और 278 नंबर आए हैं जिनके गर्ल्स के, उनका सिलेक्शन हुआ है सामान्य में। EWS की बात करते हैं, सोना आरक्षण की, जिस भी पर्सन्स मेल्स पर्सन्स के 114 क्वेश्चन सही थे, जो आपने एग्जाम दिए थे 114 क्वेश्चन से ऊपर वाले का 285 नंबर आ गए हैं, एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर था। और फीमेल की इसमें कोई दे नहीं रखा है अभी, उन्होंने जो आंसर की सिलेक्शन प्रोसेस जारी किया है उसका जो आधार पर उन्होंने दिया नहीं गर्ल्स के लिए। अब OBC की बात करते हैं, OBC मेल में 115 क्वेश्चन जिसके सही थे और नंबर आए 287, पॉइंट में चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर, पॉइंट लिख नहीं पाया, 287। और फीमेल में गई है OBC में 105 और नंबर हो गए 263। इस नंबर वाले कैंडिडेट मेल और फीमेल का सिलेक्शन हो चुका है फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिजिकल आपका इसमें बहुत जल्द हो जाएगा, फिजिकल मान के चलो कि 25 अप्रैल से 5 मई के बीच में हो सकता है या 10 मई, जो भी है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैं अगला वीडियो बना दूंगा। अब SC की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की, 104 पर गई हैं, नंबर आए 260। और फीमेल की बात करते हैं, 93 नंबर और इसका बन रहा है 93 × 2.5 233 नंबर बन रहे हैं। ST की बात करते हैं, 89 ST में कितना है, 89 क्वेश्चन सही होंगे जिसके, और 223 नंबर आ रहे हैं 89 का × 2.5। और फीमेल में 80 क्वेश्चन पर गई हैं ST के लिए, 200 नंबर आए हैं उनके। और ESM एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए बहुत 95 पर गई हैं। अब इसमें भी कैटेगरी हैं, 236 नंबर जिसका अंडर रिजर्व वाले एक्स सर्विसमैन का है उनका सिलेक्शन, 206 एक्स सर्विसमैन OBC वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 200 SC में और 215 ST वाले जिनके भी एक्स सर्विसमैन हैं उनका सिलेक्शन हुआ है फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये फिजिकल के लिए आपका। और फ्रीडम फाइटर के 91 लगभग हो रहा है, 228 अंडर रिजर्व पॉइंट चल रहा है। OBC में 200 OBC क्वेश्चन नंबर आए आपके, 207 SC में आए। यहाँ पर होगी बात अपनी, पूरा आपका बता दिया मैंने किस किस नंबर वालों का और कितने क्वेश्चन वालों का सिलेक्शन हुआ है फिजिकल के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आपका फिजिकल इस एग्ज़ाम डेट पे होगा और आपका जिस दिन भी आएगा आप अच्छे से अभी से रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, बहुत सिंपल रनिंग वैसे SI में। और कुल पदे आपके 9534 पद। फीमेल को बुलाया गया है कितना, 4 गुना फीमेल को बुलाया गया है उत्तर प्रदेश SI के लिए, और टोटल 100, और मेल को बुलाया गया 3.5, ठीक है, तो कितना हो गया 9827, लगभग 33,000 से 35,000, मतलब 33,000 मान लो, लगभग 35,000 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, लगभग 33,000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद भी फिर अगला रिजल्ट आएगा फिजिकल के बाद में किस नंबर से उठेगी, पर आप अभी से अच्छे से फिजिकल करने लगो। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा लंबा वीडियो चला जाएगा, मैं इसी पे पूर्ण विराम देता हूँ और कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं नया वीडियो बना दूंगा। ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो
और मध्य प्रदेश में जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश एसआई के लिए वो अच्छे से फिजिल कर लीजिए, क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि आपके 120 क्वेश्चन जो जिसके आपने मध्य प्रदेश से अंडर रिजल्ट वाले 120 क्वेश्चन में मेरे दो फ्रेंड का हुआ है जिनके 124 क्वेश्चन थे अटेंड करके आए थे, मतलब 124 क्वेश्चन थे, मतलब लगभग 124-120 वाले ऊपर वाले कैंडिडेट का हो चुका है। मध्य प्रदेश में जितने बच्चे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बहुत ये है प्रोसेसिंग। और आपको बहुत बहुत बधाई जिनके लिए फिजिकल के लिए हुआ है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।